लोग ये श्रद्धा सुमन अर्पण का कार्यक्रम हो रहा है। आप शहीद अमर जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं गुरु जी के चरणों में, और हमारे वार्ड सदस्य नागा वर्मा जी गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और हमारे सतीश जी गुरु जी के चरणों में, बाबू जी गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्री ताहू जी श्री गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ये माइकूलाल जी गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, बोलिए संत श्री हमारी श्री गुरु रविदास जी की। पूर्व सभासद रीता रंजन जी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, हमारे एडवोकेट श्रद्धा सुमन गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास भाई आप गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और हमारे रामचंद्र जी गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस महान सत आत्मा श्री संत शिरोमणि श्री रविदास जी के चरणों में हम नमन वंदन करते हैं, उसके पश्चात इस गरिमामयी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पिता तुल्य अभिभावक आदरणीय राम पूजन जी को भी नमन करते हैं। साथ ही साथ इस वार्ड के वरिष्ठ नागरिक एवं समाज के लिए प्रेरक हम सबके अभिभावक आदरणीय ऑडिटर साहब को भी वंदन करते हैं। मित्रों, जहां तक हमें लगता है यहां पर पूर्व के वक्ताओं ने सारे विषयों पर वृत्तांतों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है, जहां तक हमें लगता है उसमें कुछ शेष अब रह नहीं गया है, फिर भी एक गरिमा है कार्यक्रम की अतिथि होने के नाते दो शब्द आपके समक्ष जरूर रखूंगा। उसके पूर्व अपने साथ चलकर आए यहाँ के सम्मानित सभासद बड़ बंधु क्रमशः पूर्व सभासद बड़े भाई नसीम अंसारी जी, वर्तमान सभासद बड़े भाई अमरनाथ गुप्ता जी, और साथ ही साथ बगल में बैठे बड़े भाई नामोर प्रसाद जी, उनके बगल में बैठे बड़े भाई सगीर अमर जी, और मेरे बगल में बैठे बड़े भाई अरशद जी, और साथ ही साथ अपने वार्ड नंबर 11 के सभासद बड़े भाई ताज अंसारी जी, बाबू सभासद जी बड़े भाई नागा वर्मा जी, और इस वार्ड के समीप वार्ड नंबर 3 के सभासद बड़े भाई ताहिर अली जी, वार्ड नंबर गुप्ता जी, एवं अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में हम सबको हमेशा भाई लखुश पटेल जी, और साथ ही साथ यहाँ अनुज के रूप में पधारे हमारे युवा शक्ति के प्रेरक छोटे भाई अंकित जायसवाल जी, शिवा शाह जी, और इस वार्ड हम साथ ही साथ हमारे बगल में सामने समक्ष बैठे हम सबके अभिभावक बड़े भाई महकूलाल जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ मातृशक्ति के रूप में। मित्रों, कहा जाता है यत्र नारस्तु पूजते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवता वास करते हैं, तो उनका भी नाम लेना हमें अवश्य है, पूर्व सभासद रीता रंजन जी और सामने बैठी मातृशक्ति एवं बंधु। मित्रों, इस कार्यक्रम में इस महान संत आत्मा के समक्ष हमें पुष्प अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं इस समिति के अध्यक्ष बड़े भाई गुड्डू जी एवं मनीष कुमार जी छोटल जी को मैं हृदय से गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ज्यादा कहना शेष नहीं रह गया है, फिर भी इस महान संत के विषय में बताना कुछ बाकी नहीं रह गया है। यह महान संत आत्मा
उस समय से यह समाज के भेदभाव को, जात पात को, धर्म भेदभाव को दूर करने के लिए हमेशा दार्शनिक का रोल, जिसको फिलॉसफर कहते हैं अंग्रेजी में, दार्शनिकता का रोल जो है इन्होंने समाज में पेश किया है। यह हमेशा अंत्योदय के विचारधारा को लेकर चलने में प्रेरक रहे हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय के विषय में सोचने का काम किया है। ऐसे हमारे संत गुरु श्री मोड़ी आदरणीय रविदास महाराज जी का विचार था। मित्रों, तमाम कृतियों पर सूर्य के वक्ताओं ने प्रकाश डाला। एक समय की कहानी बड़े भाई रघु पटेल जी ने कहा कि एक समय वह मोची जूता सिलने का कार्य करते थे और उसी समय माँ